करके या फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार, नमस्कार। बोलिए, हेलो क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार। मैं आलम सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। हाँ, सुरेश जी, मुझे कहना यह था कि सारे लोग बोल रहे हैं कि समाज में कोई बुराई है, समाज में बुराई है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कानून हार्ड हो, अगर रेप करने वाले का डीएनए टेस्ट हो और उस लड़की का डीएनए टेस्ट हो, तो 1 सप्ताह के अंदर पता चल सकता है और 15 दिन के अंदर उसको फांसी हो सकती है। अगर फांसी होने लगे हर रेपिस्ट को, 15 दिन के अंदर समाज एकदम से सीधा हो जाएगा। मैं सऊदी अरबिया रहता हूँ, मुझे 3 साल यहाँ रहते हो गया, मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे कोई रेप ऐसी घटना हुई है, क्योंकि यहाँ का कानून इतना हार्ड है कि कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छे अच्छों को मैंने यहाँ सुधरते देखा हुआ है। अगर हम मानते हैं यहाँ की यहाँ राजतंत्र है, अगर यहाँ का कानून हम एडॉप्ट कर लेते हैं अपने तरफ और इससे मेरी भलाई होती है, हमारे देश की भलाई होती है, तो मेरी इसमें बुराई क्या है? धन्यवाद। कानून सख्त होना तो बिल्कुल जरूरी है। हालांकि जिस देश का ये उदाहरण दे रहे हैं, वहां के बड़े बड़े शेख गरीब देशों में जाते हैं और वहां की उनकी पोती से भी कम उम्र की बच्चियों को लेके अपनी हैवानियत को अलग तरीके से पूरे करते हैं। वो उनके हैवानियत के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती, इसलिए उनको सजा नहीं हो सकती। ये बात और है, हैदराबाद में या दुनिया के कई देशों में उन शेखों की अपने पैसों के बलबूते पर इन बच्चों के साथ की हैवानियत को दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी सख्त कानून जरूरी है और वो किसी भी देश में अच्छा उदाहरण कानून के रूप में क्यों ना हो, उसको लेना चाहिए। अगले कॉलर, नमस्कार, सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, बोलिए। ये जो देश जो है आज हैवानियत की आग में जो जल रहा है, इस पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बोलिए। देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ कि भोर हो गई है, जाग जाओ दोस्तों, भोर हो गई है, जाग जाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र हो गया, तांत्रिकों के तंत्र का कुतंत्र हो गया, नेताओं के लिए भोग तंत्र हो गया, जनता के लिए ये लोकतंत्र हो गया, वोट के खिलाड़ियों का खेल हो गया, देश के पुजारियों की जेल हो गया, डाकुओं का मंत्रियों से मेल हो गया, देख लो ये लोकतंत्र फेल हो गया। राजनीति वोटों की दलाली हो गई, राजनीति वोटों की दलाली हो गई, गांधी जी के बंदरों की थाली हो गई, झोपड़ी की बेटी की हलाली हो गई, लोग लाज छोड़ कोठे वाली हो गई। गांधी तेरा नाम तो हवन हो गया, गांधी तेरा नाम तो हवन हो गया, शहीदों का नाम भी दफन हो गया, द्रौपदी के तीर का हरण हो गया, बच्चा जो कफन भी गबन हो गया। संविधान दूसरा बनाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। आदमी का आचरण दुरंगा हो गया, आदमी का आचरण दुरंगा हो गया, लोग लोक लाज छोड़ करके नंगा हो गया, मेहनत का इंसान तो भिखमंगा हो गया, नेताओं का आचरण दुरंगा हो गया, सेना पुलिस पीएसी बेकार हो गई, सेना पुलिस पीएसी बेकार हो गई, भूखी प्यासी जनता भी लाचार हो गई, राष्ट्रभक्ति देश की बाजार हो गई, खुददारों की खुददारी गद्दार हो गई। रास्ता ईमान का दिखाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। जय हिंद। वाह, बहुत अच्छे। मतलब मैं बहुत बार कहता हूँ कि कार्यक्रमों में जो अच्छे कॉल आते हैं उनमें कुछ प्रतिभाएं इतनी अपना योगदान देती है कि इस मंथन से जो अमृत निकलता है उसमें उसका निर्णायक रूप होता है, भूमिका होती है। आप भी अपने प्रतिभा को ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा सही संदेश जाने के लिए, सही निर्णय होने के लिए, सही विषय लोगों को समझने के लिए अपने प्रतिभा का उपयोग करिए। हम इस भारत माता की सेवा जो इस कार्यक्रम से कर रहे हैं, ये और ज्यादा होगी, समाज पर इसका और अच्छा परिणाम होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। बोलिए। हाँ अंकल, वो हम बोलना चाह रहे थे कि हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, बट हमारे गार्जियन हमें अलाउ नहीं करते वहां जाने के लिए, क्योंकि कंडीशन इतना खराब है। उन्हें हर पल ये डर लगता है कि पता नहीं कब क्या होगा, और इस वजह से मतलब बस हम इतना चाहते हैं कि गार्जियन को और बस पीपल सेफ रहे, ये फील कर पाए कि हाँ हम सेफ है। और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत गंदा हो गया है, मतलब कोई सुनता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आज न्यूज चैनल से आ रही है ये बात, कल से ये बंद हो जाएगी, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देगा, हाँ हुआ हुआ बस इस टाइप से। धन्यवाद, बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे चीजों के जो परिणाम होने हैं वो बच्चों के भविष्य पे होने हैं।
वो बच्चियों के व्यवहार पे होने हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण पर होने हैं और उनके आने वाले कल के ऊपर होने हैं। एक बच्ची खुद कह रही है कि माता पिता बाहर कैसे जाने देंगे जब घटनाएं ऐसी होती है, तो क्या क्या इस विषय के परिणाम हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। समाज में दरिंदों की हैवानियत चलती रहेगी। एक और लोग गुड़िया के साथ हुए रेप पर दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दरिंदे एक और नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। समाज में विकृत मानसिकता बढ़ जाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे दरिंदों की मानसिकता विकृत होती है, ये विकृत मानसिकता ही ऐसे लोगों को दरिंदा बना देती है। सामाजिक रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। हमारी संस्कृति में बताया गया है कि हमारे सामाजिक रिश्ते ही हमारे समाज की डोर है, अगर यही टूट गए तो आज हमारा समाज भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बिना आदर्शों वाली हो जाएगी। जो आदर्श हमारी प्राचीन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है, यही आदर्श आज हमारी युवा पीढ़ी में खत्म हो रहे हैं। दरिंदों में कानून का भय खत्म हो जाएगा। हमारा कानून और न्याय प्रणाली वाकई इतनी सक्षम नहीं है जो हैवानों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा दिला सके। इसी का फायदा उठाकर ये दरिंदे हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। इन्होंने ये प्रधानमंत्री को इन्होंने इतनी पुलिस दी हुई है, पुलिस की क्या जरूरत है? अगर अच्छे काम करेंगे तो इनको तो पुलिस की जरूरत नहीं है। पुलिस की जरूरत तो दुनिया को है। क्या काम कर रहे हैं ये? बच्चों का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल अच्छा तो काम किया नहीं है। प्रधानमंत्री है तो कोई भाषण ही नहीं देता। ये प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है, इसको बिठाया किस लिए है? अंधा बिठा दिया है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं है। इसको बिठाना चाहिए कहीं अंदर कहीं कमरे में। प्रधानमंत्री बैठाओ इसको, मोदी को, मोदी दिखाए दुनिया को क्या होता है। धन्यवाद। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बिठाया जाता कि वो देश के कानून व्यवस्था को सही करे। इस देश में प्रधानमंत्री किसी को इसलिए नहीं चुना जाता कि वो इस देश में बच्चों पर हो रहे बलात्कार को रोके। इस देश में अगर किसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी पात्रता होती है कि क्या वो मेरे रिमोट कंट्रोल पर काम करेगा, उसकी पात्रता होती है कि क्या वो मेरे से आगे तो नहीं जाएगा, उसकी पात्रता होती है कि वो लोकनेता नहीं होना चाहिए, उसकी पात्रता होती है कि वो लोकप्रिय नहीं होना चाहिए, उसकी पात्रता होती है कि ऐसे विषयों पर हमारे आदेश के बगैर वो बोलना नहीं चाहिए। उठ बैठ और ऐसा कहीं आदेश मानकर करने वाला इस देश का या जिस भी देश का प्रधानमंत्री होगा, देश उसको झेलेगा, वहां पर हैवानियत का ये खेल चलेगा। हमने ये किया है, हमको ये झेलना होगा। जब भी आगे करेंगे फिर झेलेंगे, क्योंकि ये जंगल का राज है। जंगल का कानून अगर मानेंगे तो जंगल के कानून के दुष्परिणाम हमको भोगने होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, राजकुमार शर्मा रेणुकूट से बोलिए। आज हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पश्चिमी सभ्यता के ऊपर है, पर खुद से भी बचने की आवश्यकता है। मनोरंजन के नाम में अश्लीलता परोसी जा रही है। इस समाज में हनी सिंह जैसे गायकों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भरतनाट्यम करती है और ठोस कानून बनाने के नाम पर कुछ राजनीति की जाती है, यह बहुत आवश्यक होता है। सामाजिक बहिष्कार को छोड़कर सरकार को कुर्सी की राजनीति से दूर रहकर इस स्थानीय को दृष्टिगत रखते हुए खुलेआम चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। वंदे मातरम। बिल्कुल धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर यह हैवानियत क्यों बढ़ रही है, यह इंसान क्यों बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदला, लेकिन इंसान बदला है, और उसका यह बदलाव नकारात्मक क्यों है, सकारात्मक क्यों नहीं है? जहां पर इतनी महान विराट परंपरा रही है, यहां पर राम के बजाय रावण क्यों पैदा हो रहा है? आज के बिंदास में हम अब परिणाम की दिशा में जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं और परिणाम की दिशा में आपके उपाय बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। मैं महाराष्ट्र के हंबीराव शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ। हैवानियत इसलिए बढ़ रही है कि मनुष्य आध्यात्मिक से दूर हो गया है।
आध्यात्मिक हमें सिखाता है कि काम क्रोध लोभ मोह मनुष्य के शत्रु है और काम वासना के वजह से ऐसा हो रहा है, छोटे बच्चे भी नहीं दिख रहे उनको और हमारे स्कूलों में से रामकृष्ण विवेकानंद छत्रपति शिवाजी जैसे पाठ्यक्रम से इतिहास हटाया गया है, उनको फिर से लगाना चाहिए स्कूल में और सिनेमाघर से नग्न डांस बंद होना चाहिए सिनेमाघर में और हमारे प्राचीन संस्कृति को और ले जाना चाहिए सब बच्चों को और मोदी जैसा दमदार नेता पंत प्रधान होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो सर। हाँ सर, ये बलात्कारी जो है ना, इनके तो बीच चौराहे पर लाके गर्दन काट रहे हैं। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि अपना कॉल इसी कार्यक्रम में लाइव में सुनने का मोह मत रखिए। इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, दोपहर को 3 बजे होता है। आप इसमें देखिए, आप जब बात करते हैं तो कुछ सेकंडों का डिफरेंस भी आपके बात के प्रभाव को कम करता है, इसलिए आप आपका कॉल बाद में देखें या सुने। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीजें अपराधी तत्व जो मौजूद हैं समाज में, उनके लिए कैसे कानून प्रक्रिया बननी चाहिए जो विद इन 7 डेज इनकी जस्टिस हो और विद इन 7 डेज इनके साथ करे से करे सख्त कार्रवाई करके निपटारा होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डालते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, कानून और न्याय प्रणाली को सुधारा जाए। कई हैवान हमारे कमजोर कानून और लचर न्याय व्यवस्था का फायदा उठाकर बार बार हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। अगर 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को तभी सजा हो जाती जब उसने पहली बार अपनी पत्नी के साथ रेप किया था, लेकिन उस लड़की को ही उसकी पत्नी बना दिया गया जिसके साथ रेप हुआ था। अगर ऐसा ना होता और उसी वक्त इस दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती तो गुड़िया इस हैवान की हैवानियत का शिकार नहीं होती। हमें फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा। आज जो हम आधुनिकता के नाम पर अपने आप को आधुनिक दिखाने में लगे हुए हैं, इस मानसिकता को कम करना होगा। स्कूलों में रोजगार के साथ आदर्शवादी शिक्षा को भी प्रमुखता मिले। ये बात सही है कि आज आधुनिक शिक्षा का जमाना है, लेकिन हमें अपनी आदर्शवादी शिक्षा को भी अपनाना होगा। माता पिता बच्चों को संस्कार दे। माता पिता का बच्चों के जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। आज माँ बाप को अपने बच्चों के लिए संस्कार बताना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करे। आज जरूरत है पुलिस सुधारों की। इनमें वो सुधार बहुत जरूरी हैं जो पुलिस को आदर्शवादी और कर्तव्य परायण बनाए। हैवानियत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है, हम उसको सह रहे इसलिए वो बढ़ रही है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आ गई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जीवन का, समाज का, देश का, प्रकृति का, जहां पर हमने अपने हैवानियत का नंगा नाच नहीं किया और उस नंगा नाच पर हम चुप है और इसलिए वो बढ़ रही है। धार्मिक स्थानों पर धर्म के नाम पर आतंक करने की हैवानियत की शिक्षा दी जाती है, हम चुप बैठते हैं तो हमको खून खराबा, अपनी मौतें, अपना खून वहां पर बहाना पड़ेगा, मौतें झेलनी पड़ेंगी, हमले झेलने पड़ेंगे। क्योंकि जब ये शिक्षा दी जा रही थी तो हम अपना धर्म ये कह के या पड़ोसी का धर्म ये कह के या अपनी कायरता दिखाकर चुप बैठे थे तो सजा आपको होगी। जीवन का कोई क्षेत्र इससे नहीं बचा है और इसलिए यह सब तरफ हैवानियत बढ़ रही है। अगले कॉलर। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की मीडिया जब सन्नी देओल का जन्मदिन मनाती है तो आप बलात्कारों को कम करने की कैसी सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जब देश के मीडिया के लिए ये न्यूज होती है कि बिग बॉस में एक वेश्यावृत्ति करने वाली कहीं की कोई हीरोइन, जिसको हीरोइन नहीं कहना चाहिए लेकिन जिसको मीडिया हीरोइन कहकर उसकी खबर बनाता है, उसके ऊपर घंटों के कार्यक्रम दिखाता है, जो ज्यादा से ज्यादा कपड़े कानून के और सेंसर बोर्ड के नजर में गैर कानूनी तरीके से उतारती है, उसको दिखाने में मीडिया जब तक अपनी TRP का खेल करेगा तब तक घर के अंदर ये कपड़े सड़क पर उतरेंगे और बलात्कार होंगे। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, हाँ, आज तक कोई भी भाषण उन्होंने अपने लिखे हुए पत्र के बगैर दिया है जो, हाँ, जो इंसान
जो लिखा हुआ ही बोल सकता है वो देश कैसे चला सकता है, जिसको पीछे से लिख के दिया जाता है कि ये बोलना है, वो देश कैसे चला रहा है, हमारे को तो ये नहीं समझ आ रहा। आज तक मोदी ने कोई भी ऐसा भाषण दिया जो लिख के लेके आया हो वो? धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री तय शब्दों के साथ बोलना चाहे और लिखित में बोले, कुछ समय के लिए इसको स्वीकार भी किए, तो भी यह सवाल ही कि वो लिखा किसने है, क्या कोई लिख कर देता है वही बोलने का आदेश तो नहीं है, यह चिंता का विषय है। ऐसी चिंता राजनीतिक क्षेत्र के हैवानियत के ऊपर है, ऐसी चिंता जो हमारी कार्यपालिका है उसके हैवानियत के ऊपर है, ऐसी चिंता हमको न्यायपालिका में हो रही हैवानियत के ऊपर भी दिखानी चाहिए, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। एक ही विषय के लिए दो आरोपियों को अलग अलग सजा कैसी दी जा सकती है, किसको छूट कैसी दी जा सकती है? संजय दत्त के लिए कानून, दूसरे के लिए कानून, अफजल के लिए कानून तो दूसरे के लिए कानून, कानून व्यवस्था की हैवानियत के खिलाफ बोलना होगा, शिक्षा क्षेत्र के हैवानियत के खिलाफ बोलना होगा, धार्मिक क्षेत्र में जो अनागोंदी, जो धार्मिक क्षेत्र में हैवानियत बढ़ रही है उसको रोकना होगा, अंधश्रद्धा की हैवानियत को रोकना होगा, श्रद्धा के नाम पर हैवानियत के बाजार को तोड़ना होगा, जीवन के हर क्षेत्र में जो हैवानियत बढ़ रही है वो पर्यावरण तक पहुंची है, पर्यावरण का हम इतना शोषण कर रहे हैं, क्या पर्यावरण हमारे ऊपर अकाल की छाया देने लगा है? हमारे भूकंप की संख्या हमारे यहाँ पर बढ़ने लगी है, पानी की कमी होने लगी है, न जाने कितनी समस्याएं जब प्रकृति हमारे खिलाफ खड़ी कर रही है, वो हमने उसके खिलाफ जो हैवानियत दिखाई उसका परिणाम है। अब हर क्षेत्र में अगर हैवानियत बढ़ेगी, गरीब शोषण करेगा, अमीर शोषण करेगा गरीब का, हैवानियत दिखाएगा एक गरीब के साथ, तो हम चुप बैठेंगे क्योंकि वो गरीब है और हैवानियत करने वाला अमीर है, तो हैवानियत एक और क्षेत्र में बढ़ेगी। हैवानियत अगर अशिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति के ऊपर करेगा, शिक्षित व्यक्ति ऐसे ही योजनाएं बनाएगा, ऐसे ही बिजनेस प्लान बनाएगा जिसमें गरीब और गरीब होता जाए और उसके पास आने वाला जो भी संभव धन है वो मेरे पास आए, तो यह हैवानियत नहीं तो और क्या है? हमारी योजनाएं, जो सरकारी स्कीमें हैं, जो निजी कंपनियों का विस्तार है, क्या ये इस तरीके की हैवानियत नहीं है? है, लेकिन व्यापार के नाम पर हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। एक और क्षेत्र बढ़ रहा है, बच्चों की बात तो बेटे पेट में पैदा होने से शुरू होती है, जब वो पेट में पैदा ही ना हो यह हैवानियत होती है, फिर भी पैदा हो जाए तो पेट के बाहर ना आ जाए, अंदर मारी जाए, यह हैवानियत हम स्वीकार करते हैं। बाहर आती है तो 5 साल पैदा होने से लेकर, ये तो 5.5 साल की थी, 20 दिन की बच्ची के ऊपर बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, क्या कहेंगे? ये कोई आनंद लेने की बात नहीं है, ये तो इसकी इसकी इसके शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता इस हैवानियत की। इस देश ने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है, ये तो कभी किसी को सजा देने के लिए किया जाने वाले, यहां पर जो लुटेरे आए थे उन्होंने ऐसी सजाएं यहां के लोगों को दी थी जो भी इतिहास में बहुत कम उदाहरण जिसके होंगे। आज सर्वदूर क्यों हो रहे, देश की राजधानी बलात्कार की राजधानी क्यों हो रही, देश के राजधानी में बलात्कार के खिलाफ बोलने वाले लोग कैमरों के सामने मौन बत्तियां जलाते हैं फिर बुझाते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, अंधकार फिर वैसा है, इज्जत फिर लूटी जा रही, टीवी चैनल वाले विभिन्न सोसाइटियों में जाकर वहां के लोगों को मोमबत्तियों के जुलूस इसलिए निकालने को कहते हैं कि उसके पास अलग से फुटेज चाहिए और देश में ज्यादा से ज्यादा जगह की प्रतिक्रिया उसने दिखाई, ये क्रेडिट चाहिए, एक साथ कई कैमरों का फुटेज चाहिए, लेकिन वो मोमबत्ती जलाने वाले भी कैमरे के लिए जलाते हैं, इस देश से अंधकार दूर हो इसलिए नहीं जलाते। ये जब तक होगा तब तक हैवानियत बढ़ेगी, इसलिए इस मोमबत्ती को मशाल बनाना होगा तो हैवानियत रुकेगी, ऐसा मैं मानता हूं और हम आशा करते हैं कि यह मोमबत्ती एक दिन जरूर मशाल बनेगी। एक गीत के साथ आपको छोड़ चलते हैं, जय हिंद।